हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में दोस्तों पिन लॉक पासवर्ड को सेट कर सकते हो। दोस्तों अपने डिवाइस तो पिन लॉक पासवर्ड सेट करना चाहते हो, आप पिन लॉक का पासवर्ड लगाना चाहते हो अपने फ़ोन में, कैसे लगा सकते हो, कैसे सेट कर सकते हो, आज की वीडियो दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, पिन लॉक पासवर्ड को सेट करने के लिए, पिन लॉक पासवर्ड सेटिंग को यूज़ करने के लिए दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में दोस्तों हम फ़ोन की सेटिंग को ओपन करेंगे। और फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा आपके डिवाइस में। तो दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है, आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग को ओपन करना है। सबसे पहले इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और फिंगरप्रिंट और फेस लॉक सेटिंग को भी आप यहीं से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों हम पहले क्लिक करेंगे स्क्रीन लॉक वाली सेटिंग पर, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पैटर्न पासवर्ड, पिन पासवर्ड, और यहाँ पर आप लेटर पासवर्ड को भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों पिन पे क्लिक करेंगे, पिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड जो है वो कोई सा ही पासवर्ड हो, पैटर्न है या आप लेटर पासवर्ड है, आपको वो याद रखना है। अगर आप उसको भूल जाते हो तो आपको अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप गो रीसेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर दोस्तों आप पिन पासवर्ड को सेट कर सकते हो। और दोस्तों जो आपका पिन पासवर्ड है 4 डिजिट का होना चाहिए, एटलीस्ट 3 डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों मैं 1 2 3 4 को यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप पिन को चेक करो राइट क्लिक करके, दोस्तों पिन को आप चेक कर लो आपका पिन पासवर्ड सही है, हाँ सही है। फिर दोबारा से 1 2 3 सेम पिन एंटर करोगे तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो पिन पासवर्ड लॉक को। दोस्तों यहाँ पर जैसे तो पासवर्ड सेट हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा फिंगरप्रिंट के लिए, फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन को लॉक करोगे, अनलॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप पिन पासवर्ड को एंटर कर दो, और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस तरह दोस्तों अपने फ़ोन दोस्तों पिन लॉक पासवर्ड को सेट कर सकते हो। अपने 4 डिजिट पासवर्ड से अब अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो इजीली। और दोस्तों अगर आपको पासवर्ड पसंद नहीं है, अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप 4 की जगह 7 8 9 10 डिजिट का पासवर्ड सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आपको वापस से पिन पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर गोटेट कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आप पिन पासवर्ड को इंटर कर लो दोबारा से। दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों यहाँ पर हम 8 डिजिट का पिन सेट कर लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका पिन लॉक का पासवर्ड है दोस्तों 4 डिजिट का पासवर्ड है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सेट हो चुका है हमारे फ़ोन में 4 से लेकर। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पिन है वो 8 डिजिट में हो जाएगा। आप देख सकते हो पहले 4 था, 1 2 3 4 फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहा है, 5 6 7 8 अनलॉक फोन का एंटर करते ही फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने दोस्तों पिन लॉक पासवर्ड सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आई होप दोस्तों आप समझ चुके हो पिन लॉक पासवर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रेडमी के फ़ोन में। और दोस्तों अगर आपको अपना पिन पासवर्ड नहीं रखना है तो आप इसको यहाँ पर टर्न ऑफ पे क्लिक करके हटा लेना। बाय दोस्तों, मिलते हैं स्टूडियो में।